मेरा नाम श्री राजूराम आर्य, मैं उत्तराखंड के चंपावत ज़िले से आया हूँ और मेरी बेटी अनुष्का आर्य, जिसका ऑपरेशन पिछले 2 महीनों में किया गया था और एक पैर का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। मैं गौरव कुमार शर्मा। दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग उत्तराखंड दगड़ियों, नमस्कार। मैं फिर एक बार अपने YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर नॉर्वे में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ हैं और हैप्पी हैं, जहां भी हैं अपना काम धाम अच्छे से कर रहे हैं। और दिवाली का मौसम है, आप लोग अपने दिवाली सेलिब्रेशन की तैयारियां कर रहे हैं और उम्मीद है कि सब कुछ परफेक्ट जा रहा है। तो आज की ब्लॉग शुरुआत करने से पहले मैंने सोचा कि आज हम लोग थोड़ा सा बाहर जाके परचेज वर्चेज करके कुछ सामान लाना है, आज आपको वही पूरे दिन में देखने को मिलेगा आज के ब्लॉग में। और बट ये वही जो शॉपिंग करते हुए शाम तक का जो टाइम निकलेगा, कुछ बच्चों को कपड़े खरीदने, कुछ जूते वूते खरीदने, कुछ इस तरह का चीज़ें जो है आपको देखने को आज के ब्लॉग में मिलेंगी। और बट उसके साथ साथ मैं कुछ और बात आज करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं जो है एक संस्थान है नारायण सेवा संस्थान, जो कि एनजीओ है इंडिया में, उदयपुर में अपना काम करती है और ये मदद करती है पूरे उन लोगों की जो कि डिसेबल्ड होते हैं और अपना इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको करेक्टिव सर्जरी की ज़रूरत है। जैसे आपका पाँव मुड़ गया, हाथ मुड़ गया और या बचपन से आपको पोलियो हो गया, तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं उसके लिए काम करती है। बहुत बड़ा संस्थान है उदयपुर में, उनका अपना 250 बेड का एक हॉस्पिटल चलता है। उस हॉस्पिटल में बड़े दूर दूर से लोग इलाज के लिए आते हैं और अब ये जो संस्थान है ये ग्लोबली बहुत जगह रजिस्टर्ड है, सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं पूरे दुनिया में। जैसे इनके ब्रांचेज जो है दुनिया के बाकी देशों में भी इनकी ब्रांचें हैं। तो इस संस्था से हम काफ़ी समय से जुड़े हुए थे, तो मैं इस संस्था के लिए काफ़ी समय से यहाँ पर रह के भी काम कर रहा था और मैंने कई इवेंट इन संस्था के लिए करे। यहाँ से कुछ ऐसे बच्चों के जो ऐसे गरीब बच्चे हैं करेक्टिव सर्जरी को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए यहाँ पे इवेंट किया और कुछ हमने बच्चों के लिए कलेक्शन किया। और उस संस्थान में भी मैं एक बार 2016 में विजिट करके आया, तो मैं खुद कन्विंस था कि ये वाकई में काम करती है। और अभी सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे दुनिया में जो गरीब कंट्री हैं जैसे कीनिया है और साउथ अफ्रीका के कुछ कंट्री है, वहाँ पर भी ये मदद पहुँचा रहे कुछ एनजीओ के थ्रू। तो इस तरह का काम इनका चल रहा है। तो बात करने की ये है कि आपको आज मेरे वीडियो में शुरुआत मिलेगी उन बच्चों की, कुछ बच्चों की। वो सिर्फ मैं आपको ये दिखाने के लिए, सेंसिटाइज करने के लिए वो वीडियो इसमें ऐड कर रहा हूँ। उसका मकसद सिर्फ इतना है कि आप अधिक से अधिक इस मुहिम में जुड़ें मेरे साथ। मदद आपसे सिर्फ इतनी ही है कि आप मेरे चैनल को ग्रो करें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को। और मैं अपने लेवल पर ये काम कर रहा हूँ और आज बताने वाली बात इसमें ये है कि मैंने नारायण सेवा संस्थान नॉर्वे का रजिस्ट्रेशन यहाँ गवर्नमेंट नॉर्वे में उस संस्था को रजिस्टर किया है ताकि उस संस्था से लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस कंट्री से, यूरोप की इस कंट्री से जुड़ें। और अगर यूरोप में ही वो संस्था का ऑफिस है, ब्रांच है, तो उससे बेनिफिट ये होने वाला है कि अधिक से अधिक जो गवर्नमेंट फंड है या फिर जो है जो बाकी एनजीओ आपसे जुड़ते हैं, उसका रीज़न है कि आप लोकली रजिस्टर्ड हैं। तो मेरे लिए खुशी की बात यह है कि करीब 6 महीना साल भर से मैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे काम कर रहा था और समहाउ चीज़ें इधर उधर नहीं हो पा रही थी। और अब परसों ही वो गुड न्यूज आई हमारे पास कि वो रजिस्टर्ड हो गया है और मैं उनका चीफ पैटर्न तो हुई यहाँ पे, उस संस्था के लिए काम करता हूँ और अब और भी लोग मुझसे यहाँ पर जुड़ेंगे। नॉर्वे से ही लोग नहीं जुड़ेंगे बल्कि पूरे यूरोप से जो बाकी कंट्री हैं, स्वीडन है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, अब कोशिश रहेगी कि सारे कंट्री के जो यूरोप के बाकी लोग हैं उनको भी मैं इस संस्था से जोड़ूंगा। तो आज की शुरुआत यहीं से है और आप जस्ट मेरे ये दो वीडियो, कुछ वीडियो इसमें आप देखोगे छोटे छोटे क्लिप हैं जिन लोगों को हमने मदद करी, उनके चेहरों पर जो मुस्कान खिलती है। और दिवाली की ये शुरुआत
हमारे लिए बहुत अच्छी है क्योंकि अपने लिए तो हम करते ही हैं। तो थोड़ी सी मदद आप किसी ऐसे व्यक्ति को करो जिसको ज़रूरत है, जिसके घर में दिया जलाने के लिए दिवाली में तेल नहीं है, मिठाई खाना तो दूर की बात है। तो ऐसे लोगों के बारे में थोड़ा सा आप सोचें। और मैं कोई फाइनेंशियल मदद आपसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सेंसिटाइज कर रहा हूँ कि सोसाइटी में ऐसे वॉलेंटरी एक्टिविटीज़ की आज ज़रूरत है। सारे लोग संपन्न नहीं हैं, पूरे दुनिया में ये प्रॉब्लम है, हमारे देश में ही नहीं, हमारे देश में भी है लेकिन और दुनिया के कोनों में भी है। तो हम सबको एज ए ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे ऐसे लोगों के लिए खड़ा होना ही हमारा मकसद होना चाहिए। इसके अलावा जो हम अपनी ज़िंदगी जीने के लिए करते हैं, पैसा बनाते हैं, खाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, हम अपने त्यौहार मनाते हैं, तो ज़रा ऐसे लोगों के बारे में भी सोचते हैं। तो आज की क्लिप उसी पर आधारित, आज का ब्लॉग उसी पर डेडिकेटेड है, और हो सकता है छोटी मोटी क्लिप मेरी जो शॉपिंग की हमने करके आए हैं उसकी भी इसमें आपको देखने को मिलेंगी। आप ब्लॉग को भी एंजॉय करिए और आप मेरे साथ इस मुहिम में जुड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और साथ ही कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एटलीस्ट मेरे इस सोशल फैमिली के पार्ट बने और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद कर सकें, ये मेरा मकसद है। आप भी इस मुहिम में मेरे साथ जुड़िए। चलिए बने रहिए ब्लॉग में और फिर कल और ये वीक में बहुत अच्छे ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि यहाँ पर आज संडे है, आज हैलोवीन यहाँ पर सेलिब्रेट हो रहा है, हालांकि वो हैलोवीन हम लोग सेलिब्रेट कल्चरली नहीं करते हैं लेकिन यहाँ पर लोग करते हैं। तो कोशिश करता हूँ मैं डे टाइम में वहाँ जा करके कुछ झलकियाँ आपको हैलोवीन की देता हूँ कि लोग किस तरह से उसको एंजॉय करते हैं। चलिए बने रहिए ब्लॉग में। मेरा नाम अजय कुमार फिरोजाबाद से आया हूँ। मैं पहले छोटे पे घोंटू बांध रख कर चलता था, यहाँ पे मेरा ऑपरेशन हुआ, अब आराम मिलता जा रहा है धीमे धीमे। मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। त्रिभुवन तिवारी जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, इनकी सहायता से मेरा ऑपरेशन हुआ है। ऑस्लो नोर में रहते हैं, फिर भी हमारी सहायता कर रहे हैं वो यहाँ पे। मेरा नाम अजय है, मेरा लड़के का नाम गीतेश है, हम छत्तीसगढ़ से आए हैं, बेमेतरा जिला से। दोनों पैर के इसका थोड़ा प्रॉब्लम था, विकलांग था, यहाँ पे आके इलाज हो गया दोनों पैर के। ओम तिवारी जी को धन्यवाद। मेरा नाम सत्यनारायण है, बच्ची का नाम शिवानी है, टोंक जिले से आए हैं। इसके पैर में दिक्कत थी, अभी यहाँ लेके आए हैं नारायण सेवा संस्थान में। मेरी बच्ची का ऑपरेशन हुआ है। ओम तिवारी जी जो ओस्लो आर्मी में रहते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुनील कुमार यूपी से, और मेरा जन्म से पहले ऐसी प्रॉब्लम थी जो चलने में बहुत तकलीफ़ थी, चल नहीं पाते थे, बहुत घर वालों ने इलाज कराया, ठीक नहीं हुआ। फिर ये मेरे को नारायण सेवा संस्थान से टीवी पे देखा मैंने और मैं यहाँ पर आया तो मेरा इलाज फ्री हुआ। मैं अभूष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे लिए यहाँ पर पैसा भेजा है, और जो ओसवो नॉर्वे में रहते हैं उनके लिए धन्यवाद। मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं हरियाणा राज्य से करनाल ज़िले से आया हूँ। मेरा पैर एक ख़राब था, पहले मैं लकड़ी लेके चलता था और अब मैं नारायण सेवा में ऑपरेशन कराया। वो जब से मेरे पैर में पहले से ज़्यादा जान है और उंगलियाँ अंगूठे वगैरह सभी चलने लग गए हैं। मेरे ऑपरेशन की सहायता श्री जनार्दन जी ने की है, और जो नॉर्वे में रहते हैं उनके मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो जी अब जो है हम निकल गए हैं थोड़ा बहुत शॉपिंग के लिए, और आज हमने जो है रिदिमा के और गुन्नू के लिए दो तीन चीज़ें खरीदनी हैं। ओम तिवारी के लिए रिदिमा को जो है थोड़ा बहुत एक दो जूते देखने हैं, एक तो जूते ख़रीदने हैं क्योंकि यहाँ पर ठंड हो गई है और अभी बर्फ़ का सीज़न शुरू हो जाता है, तो थोड़े से बर्फ़ वाले जूते ख़रीदने हैं। तो जी डेंस्को से हम देखते हैं, ये कालियोन स्ट्रीट पे जूतों की अच्छी शॉप है और दो तीन शोरूम आपको ओस्लो में मिलेंगे, और वन ऑफ द बेस्ट शू के लिए फेमस है यहाँ पर। बहुत हर तरह के एज के लिए शू आपको मिलेंगे, तो रिदिमा को यहाँ से शू ख़रीदना है। तो अब रिदिमा की चॉइस है भैया, जो उसको पसंद आएगा वो ख़रीदेगी, तो देखते हैं उसको क्या पसंद आता है।
वैसे भी जो है लड़कियों का और लेडीज़ का थोड़ा सा चॉइस समझ पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट स्टिल हमें कुछ ना कुछ वो देखेगी, अपने लिए पसंद करेगी फाइनली। लेट्स सी कि उसको क्या समझ आता है। तो जी फाइनली लड़की जो है टेस्ट कर रही है एक दो सू। तो जी देखते हैं रिधिमा को क्या पसंद आता है। तो जी रिधिमा की जूत शॉपिंग के बाद, ओम ओम रिधिमा की शॉपिंग के बाद हम आ गए हैं लिसन टू बलजीत। एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है ओस्लो में, और ओस्लो के जो सोली है, सोली में बिल्कुल बस स्टॉप के साथ में है, और काफ़ी फेमस इसका खाना है। और हमने सोचा आज इसका खाना टेस्ट करके आते हैं, तो यही एक रेस्टोरेंट था जहाँ पर हमने खाना नहीं खाया था। तो हमने कहा चलो जी आज शॉपिंग करते लेट होगी। तो ये देखें आप, ये यहाँ की डिश है, और राइस आई है, और हमने पनीर की ऑर्डर डिश ऑर्डर करी है, और जो है पनीर बटर मसाला वो हम टेस्ट करके खा के देखते हैं कि कैसा टेस्ट है इसका। पनीर बटर मसाला बोल रही हैं कि इनको पसंद है काफ़ी। चलिए जी आप ब्लॉग का एंजॉय करें। बस इसी के साथ आज का ब्लॉग समाप्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा लगेगा ब्लॉग। पूरे दिन की जो जो चीज़ें हुई हैं वो हमने कैप्चर करने की कोशिश करी हैं। तो आप बने रहें हमारे साथ इस पर ब्लॉग में, और इन्जॉय करें ये लास्ट बाइट का मैं स्वाद लेता हुआ, और इसी के साथ इस ब्लॉग की समाप्ति। चलिए जी ओके बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे एक दूसरे ब्लॉग में।